So, 6th of April 2018, two major events were present. क्या बता सकते हैं दो मेजर इवेंट क्या हुए थे 6th of April 2018 आरबीआई सर्कुलर आया था राइट तो एक नेगेटिव खबर ये थी कि आरबीआई सर्कुलर आया था और पॉजिटिव खबर ये थी कि क्रिप्टो कानून आया क्रिप्टो कानून का जो जन्म हुआ था जो बर्थ डेट है वो 6th of April 2018 राइट सो टू मेजर इवेंट्स हैपेंड दैट डे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कहते हैं कि शायर होता है तो शायर मोहब्बत का में जब दिल टूट जाता है तो वो थोड़ी शायरी करता है उनका और दिल शायरी करता है तो कई बार लोग पूछते हैं कि यार भाई तुम क्रिप्टो में 37 साल की उम्र में क्रिप्टो के अंदर घुस के डे वन से जीरो से मेहनत क्यों कर रहे हो तो उसका भी रीजन है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे टॉक टू अस व्हेन दे कम्युनिकेट विद अस विद दे से कि आप लोग ये इतना ज्ञान क्यों देते हो फ्री में तो इस टूटे हुए दिल की कहानी है छोटी सी है 2017 में एक दोस्त ने बोला यार बिटकॉइन है बहुत अच्छी चीज है बिटकॉइन को समझ लिया वाह यार वाह ये तो अच्छी चीज लग रही है बड़ी पॉजिटिव है कहता नहीं ये पॉजिटिव नहीं है ये बहुत जबरदस्त चीज है तो इसको देख बिटकॉइन के बारे में स्टडी किया स्टडी करते फैसिनेट हो गए कितने लोग फैसिनेट हो जाते हैं बिटकॉइन को जब स्टडी करते हैं भाई फैसिनेट हो जाते हैं मैं भी फैसिनेट हो गया फैसिनेट होने के बाद सीधा पता कहां गया घर नहीं गया बैंक गया बैंक गया और 6 डिजिट का पर्सनल लोन लिया 2017 6 डिजिट का पर्सनल लोन लेके उसको एक पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद जो मेरा क्रिप्टो है तो मुझे सिर्फ 20% वापस हुआ और बाकी 80% लेके वो पॉन्जी स्कीम भाग गई जानते हैं अगले अगला क्या हुआ सिंपल सी बात है डिप्रेशन होगा मुझे भी हुआ क्योंकि आपने जो ये काम किया आपने परिवार को थोड़ा रुपये लिया थोड़ा नहीं लिया आप जानते हो आपने कितना बड़ा रिस्क लिया आपने रिस्क लिया पॉन्जी स्कीम में मजे लिए आप घर में डिप्रेशन में बैठ गए और वो एक ऐसा मोमेंट था जब ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे जिंदगी कैसे किस तरीके से लॉस को रिकवर किया जाए फिर एक दोस्त आया उसने बोला अरे बहुत इजी है ट्रेडिंग में ट्रेडिंग में एक का दो शिट कॉइंस में अरे मस्त है ये वो कौन से कॉइंस के नाम भी मैं भूल रहा हूँ और जब मैंने वो बीटीसी से ऑल्ट कॉइंस खरीदे तो बीटीसी जब बढ़ा तो ऑल्ट कॉइंस की वैल्यू कम हो गई तो जो मेरे पास बिटकॉइंस बचे थे वो भी खत्म हो गए आज से कितने बचे थे कि बस जब मैं वॉलेट में देखता हूँ तो रोना आता था राइट ये सच्चाई बताने में मुझे शर्म नहीं आ रही क्योंकि उस मोमेंट से मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मेरे साथ जो 15 साल का सेल्स एंड मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस लेके मीडिया के अंदर 15 साल काम करने के बाद दुनिया के 13 देश और 4 कॉन्टिनेंट घूमने के बाद अगर मेरे को बन सकता है इस इंडस्ट्री में तो उस दिन ये सोच लिया कि मेरे बाद अब मैं किसी और को बेवकूफ नहीं बनने दूंगा तो शायर पैदा हो गया उसमें क्रिप्टो कानून की शक्ल में शायद पैदा हो गए अब अकेला कमरता कहना करता तो कानून ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे कि उस दिन ये भी मिले थे ट्विटर पे एक्टिव थे सब थे और फिर उसी दौरान क्रिप्टो कानून का जन्म हुआ और क्या है नेक्स्ट राइट और इस लोगों को बनाना नहीं आता था और इसका चलना क्रिप्टो कानून को जो साथी मिला कि क्योंकि कानून जरूरी था समझने के लिए तो मुझे मोहम्मद दानिश के रूप में मेरे साथी मिले ये गोल्ड के बहुत बड़े एडवोकेट थे और बिटकॉइन के पॉन्जी समझते थे मुझे लगता था कि अगर मैंने इनको कन्विंस कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि ये शख्स अगर एक दिन कन्विंस हो गया क्रिप्टो को लेके तो ये शख्स इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है इस इकोसिस्टम को अगर ग्रो करना है तो तरह तरह के प्रोफेशनल्स आएंगे इसमें ब्लॉकचेन लॉयर इज वन ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ अ सिटिंग लाइव एग्जांपल और वैसे मोहम्मद दानिश की मुझे जरूरत थी बिकॉज मोहम्मद दानिश के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हम आगे क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए क्या कर रहे हैं आप सिर्फ क्रिप्टो कानून को यूट्यूब और ट्विटर पर देखते हैं आई एम श्योर लेकिन क्रिप्टो कानून का असली चेहरा ट्विटर और यूट्यूब के पीछे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए क्या कर रहे हैं हर चीज को हम पर्दे पे नहीं ला सकते पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है
अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो मेरा पर्सनली 15 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क विद सोनी पिक्चर्स, डिज्नी यूटीवी, पेप्सिको, सेल्स एंड मार्केटिंग और मैं मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपर्ट हूं। और अगर हम दानिश की बात करें तो ये एडवोकेट है और प्रैक्टिसिंग है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट। सो ये प्रैक्टिसिंग है, ये क्रिमिनल केसेस को फाइट करते हैं, आगे हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट वी रियली डू, we are into regulatory use and analysis, legal solutions to crypto fraud victims, blockchain legal advisory and global campaign against crypto scams. ये बहुत important है, मैं इस पे अभी आऊंगा आपके पास। थोड़ा सा अगर मैं आपको regulatory use and analysis को बताऊं, थोड़ी सी achievement एक साल की हमारी, 4.2 million impressions हमारे YouTube पे, 12,000 subscriber YouTube पे, 1.8 million का watch time है YouTube पे। और ट्विटर पर आप देखो 7 मिलियन इंप्रेशंस है, 10,800 फॉलोअर्स है, 17,000 रीट्वीट्स है, 55,000 लाइक है। ये मैं अगर आपको बोलूं कि दिमाग से मैंने ये किया होता शायद अचीव नहीं हो पाता, एक शायर ने किया तो ये अचीवमेंट हो पाए, क्योंकि जो पर्पस है वो क्लियर है कि क्रिप्टो स्कैम्स को, क्रिप्टो फ्रॉड्स को जड़ से उखाड़ फेंकना है इंडस्ट्री से, ये हमारा पर्पस है, ताकि जो चीज हमने चली वो आप लोग ला सके। सो सो वी आर द फर्स्ट टू ब्रेक द न्यूज डायरेक्टली फ्रॉम द कोर्ट रूम सर, यू मस्ट यू नो दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट दोस न्यूज फ्रॉम द कोर्ट रूम। वी आर द फर्स्ट टू स्टार्ट द नॉमिनी मूवमेंट, नॉमिनी के अंदर हमने एक्सचेंजेस को मजबूर किया कि आपके एक्सचेंजेस पे वजीर पे या इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, कोई बंदा मर जाता है उसके नॉमिनी को पता ही नहीं लगेगा कि वो एक्सचेंज पे डील कर रहा था, वहां नॉमिनी का ऑप्शन होना चाहिए। एंड हमारे कहने पे पॉकेट बिट्स इंडिया और यूनो पॉइंट ने नॉमिनी का ऑप्शन शुरू किया एंड मोस्ट अदर एक्सचेंजेस आर प्लानिंग टू डू दैट। वी आर द फर्स्ट वन, वी आर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन क्रिप्टो टैक्सेशन, टैक्स को लेकर कोई सीरियस नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर आपको इस बिजनेस को लेजिटिमेट तरीके से करना है तो टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। उसके बाद वी आर द फर्स्ट वन टू डू अ वीडियो ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड वी आर आल्सो द फ्लैग बियर ऑफ क्रिप्टो प्रूफ ऑफ कीज मूवमेंट इन इंडिया। क्या नाम है इसका, जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, नरेश विनावट जी, सो ट्रस्ट का ये आलम है कि 18 जून को नैमिश ने इतना शानदार काम किया। नैमिश देखिए, आज से पहले आपको सिर्फ मेनस्ट्रीम मीडिया ये बता रहा था कि क्रिप्टो क्या जेल जाओगे 10 साल की या क्रिप्टो बैंक पे सरकार काम कर रही है। लेट्स गिव इट टू नैमिश, आई थिंक ही डिजर्व्स दैट राउंड ऑफ अप्लॉज। नैमिश की आरटीआई पे पहली बार हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट की एजेंसी ने कंफर्म किया है कि हाँ मीटिंग हुई है हमारी और उसके अंदर हमने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि हम क्रिप्टो को बैन करेंगे। आज से पहले सिर्फ मीडिया बोलता था, पहली बार नैमिश की आरटीआई पे हमें ये जवाब मिला किसी सरकार की एजेंसी से। लेकिन क्रिप्टो वालों के ट्रस्ट का ये आलम है कि नैमिश ये न्यूज ट्वीट करता और एक भाई साहब आते हैं कहते हैं क्रिप्टो कानून प्लीज कंफर्म इट इज ट्रू। सो दैट्स द काइंड ऑफ ट्रस्ट पीपल एंड इन फैक्ट वर्ल्ड इज अप्रिशिएटिंग इट। Sorry, I'm sure logo is not there because you are in our heart. But we have business standard, business line, you name it, and we are in all media. We have been covered by 152 publications in India and around the world. The most important part is for me. So, this this is the most important part. जो पढ़ने के पीछे चल रहा है आपको पता भी नहीं है कि क्रिप्टो के अंदर कितने तरीके के फ्रॉड्स हैं जो इस टाइम एक्टिवली क्रिप्टो कानून उन केसेस को लड़ रहा है। ये एक्चुअल केसेस है, हम केस लड़ रहे हैं चीटिंग का। मैं एक मिनट के अंदर बताऊंगा, चीटिंग 90 लाख रुपए की होटल के अंदर मीटिंग होती है, एक आदमी कहता है 90 लाख रुपए चाइना के अकाउंट में जमा करो, मैं आपको 90 लाख रुपए आज होटल में बैठ के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। 90 लाख रुपए चाइनीज अकाउंट में जमा होते हैं, वो कहता है मैं वॉशरूम होके आता हूँ, वो रूम से निकलता है अपने कमरे में जाता है, वहां से बालकनी से कूद के भाग जाता है 90 लाख रुपए के बिटकॉइन लेके। 90 लाख रुपए ये बिटकॉइन नहीं थी, ये बालकनी से कूद के भाग गया। ये फाइटिंग केस हो रहा है, एक्सटॉर्शन
बंदा चांदनी चौक की मेट्रो से निकलता है, हार्डवेयर वॉलेट उसके बैग के अंदर है, पीछे से दो एक पिस्टल उसके कवर पे रखती है, उसको बोलते हैं कि हिलमर, पीछे से उसके इंजेक्शन हाथ पे लाके लगाते हैं, उसको बैंड के अंदर बिठाते हैं, 32 बिटकॉइन उसके हार्डवेयर वॉलेट के अंदर है, वो दो दिन तक बेहोश होता है, दो दिन बाद उसे वापस मेट्रो स्टेशन पे फेंक देते हैं और उसके 32 बिटकॉइन लेजर लैंड वॉलेट से लेके भाग जाते हैं। ये अभी तक लोग पकड़े नहीं है, इसमें वो जेल हो गई है। उसके बाद अनऑथराइज एक्सेस ऑफ यूज ऑफ प्राइवेट कीज, एक कैनेडियन 4 करोड़ रुपए के बिटकॉइन इंडिया ने रजिस्टर है, यहाँ पे उसकी प्राइवेट कीज का यूज करके एक ऐसा कॉइन खरीदा जाता है जिसके जो कि एक्सचेंज का पूल होता है उसे पंप किया जाता है, जब पंप होता है वो कॉइन तो अपनी होल्डिंग्स बेच के डम कर देते हैं और उसको पता भी लगता है कि एक काम एक रात हो जाता है। एग्जिट स्कैम, ये Amazon के अंदर और Google के अंदर एम्प्लॉइज हैं, इन्होंने इंडिया के अंदर एक्सचेंज रन करी, आज भी व्हाइट कॉलर क्राइम, Amazon और Google के अंदर दो एम्प्लॉइज दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स कॉलेज से पास आउट एक्सचेंज चलाते हैं, यूं करते हैं कैनेडियंस और ऑस्ट्रेलियंस को, वो वहां पे अपना यूएसडीटी भेजते हैं, यूएसडीटी भेजने के बाद जब छोटा अमाउंट भेजते हैं तो बीटीसी देते हैं, जब बड़ा अमाउंट भेजते हैं तो क्रिप्टो वापस नहीं करते, एग्जिट स्कैम। सो दीज आर द काइंड ऑफ फ्रॉड्स वी हैव बीन डीलिंग विद, एंड मैं आपको बताऊं क्रिप्टो कानून इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन द कंट्री राइट नाउ जो एसएचओ को यूएसडी और यूएसडीटी का डिफरेंस बताता है, जो वो थाने का कहता है भाई ये तेरी तो स्पेलिंग गलत है, ये यूएसडी को तूने यूएसडीटी क्यों लगा रखा है, भाई ये यूएसडीटी है। सो वी कन्विंस एसीटीज जजेस एसएचओस थानेदार, वी डील विद दो साइड ऑफ पीपल। कहना है नेक्स्ट स्लाइड, सो वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग ब्लॉकचेन लीगल एडवाइजरी टू वेरियस कंपनीज, वी आर इन पैनल ऑफ वन और टू कंपनीज एज़ वेल एंड वी हेल्प देम इन देयर एग्रीमेंट्स एंड लीगल ओपिनियंस। नाउ The biggest question is कि आज आप जानते हो सरकार नेगेटिव क्यों है क्रिप्टो के लिए? सरकार इसलिए नेगेटिव है कि जो पॉजिटिव न्यूज़ उसके कान तक आज तक पहुंची नहीं। अमित भारद्वाज $300 मिलियन का स्कैम करके भाग जाता है, बिटकॉइन का स्कैम $3 बिलियन, अमित भारद्वाज $330 मिलियन, इतने लाखों करोड़ों के स्कैम करके लोग भाग रहे हैं, न्यूज मीडिया उसको नेगेटिव कवर कर रही है। आप लोग डरे हुए हो, आपने आज तक अपने किसी रिश्तेदार को बिटकॉइन का मतलब नहीं समझाया, घर वालों से डर के आप बिटकॉइन खरीदते हो, आप कह रहे हो कि हम बिटकॉइन के एंबेसडर हैं, एंबेसडर ऐसे नहीं होते हैं, एंबेसडर होते हैं जो जब किसी चीज में बिलीव करते हैं तो वो माइक पकड़ते हैं, अपने घर के अंदर 4 लोगों को बैठा के समझाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं टाइम, क्योंकि सबको यहाँ पे टू द मून जाना है ना, तो इसलिए कोई मदद नहीं कर पाता। जिस दिन आप पूरा ग्राउंड आओगे ना, ये इंडस्ट्री कब ग्रो करेगी, जब आप जमीन पे काम करोगे, जमीनी हकीकत से जुड़ोगे, आप कब ग्रो करोगे, टूटा ग्रो पे ग्रो नहीं करोगे आप। क्या है ना नेक्स्ट स्लाइड, आई डोंट वांट टू पुट लॉट ऑफ टाइम टू दैट, लास्ट स्लाइड, टू फाइट दिस स्कैम टुडे, नेक्स्ट स्लाइड, आई एम नॉट कमिंग टू फाइट दिस थिंग। आप कह रहे हो कि सर बातें बड़ी बड़ी कर रहा हूं स्कैम में, आपने क्या कर रहा, यूट्यूब पे तो आज इनबॉक्स की इवेंट पे मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, फाइनली वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म क्रिप्टो कानून लॉन्च कर रहा है, cryptocomplaints.org, फाइटिंग इनजस्टिस। तो क्रिप्टो कानून की टीम आज ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करती है, इसका स्क्रीनशॉट अगली स्लाइड पे है। जीने नहीं देंगे हम स्कैमस्टर्स को, ये वादा है आपसे। अगर आप देखेंगे ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिस पे हम कह रहे हैं एक्सचेंजेस, माइनिंग इन्फ्लुएंसर्स, वो कह रहे हैं आपके एक्सचेंज में फ्रॉड के खाओ, यहाँ पे बताओ किसी ने माइनिंग स्कैम है, किसी इन्फ्लुएंसर ने, किसी यूट्यूब ने, किसी क्लिप्स वाले ने, पहले क्या होता था स्कैम होता था, आप सोचते थे कहां जाऊं, आपने जागो ग्राहक जागो सुने, तो कंज्यूमर फोरम आप जाते हो, वहां पे टाइप करते हो अपनी कंप्लेंट, आप आओ यहाँ पे, आप कैटेगरी वाइज कंप्लेंट आपकी फाइल करो, यहाँ पे वो कंप्लेंट का रिड्रेसल भी मिलेगा और रिड्रेसल के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स होंगे यहाँ पे, यहाँ पे ब्लॉकचेन लॉयर होगा, यहाँ पे मैं होगा, यहाँ पे वरुण सेठी, यहाँ पे यही नहीं दुनिया के कहीं पे भी कोई भी आदमी अपने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर यहाँ रजिस्टर करेगा और आप उसे हेल्प ले सकते हो बिना किसी कॉस्ट के, ना हमारा कोई कमीशन होगा, ना हमारे कोई ना हमारी कोई फीस होगी।
सिर्फ आपके लिए कम्युनिटी के लिए, ताकि जब आप ये सोचो कि क्वार्टरली का सीएस पे मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी कर लूं, तो उससे पहले इस साइट पे आओ, ये देखते हैं कि क्वार्टरली का सीएस के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट तो नहीं है। ये है वो प्लेटफॉर्म जिसकी जरूरत थी। तो इसका जब मुझे ऑप्शन, मैं ये लॉन्च 7 दिन बाद 8 दिन बाद था, बट मुझे लगा आज इसको आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, थैंक यू वेरी मच, हम करने वाले हैं, लेट्स गिव इट टू हिम। अभी मैंने जैसे पैशनेट लोग चाहिए सिस्टम में, जो इस सिस्टम को इतने लोगों को इकट्ठा करके बिना किसी गरज के, बिना किसी मॉडल के, वो यहाँ पे सबको हमें इकट्ठा किया है कि गिव इट टू अभिमानी फॉर दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम। Thank you so much for making that noise for me.